गाइज, आई एम अनिर्बान एंड बैक हियर विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको अगर आपके बाथरूम में और आपके किचन वगैरह है जो स्मॉल है, मतलब साइज में छोटा है, तो उसमें हमको एक अच्छा सा वेंटिलेशन का जरूरत होता है, जैसे कि एयर जो है इनसाइड से बाहर बहुत इजीली फ्लो हो सके। उससे क्या होता है कि आपका जो बाथरूम है और जो किचन वगैरह है वो अच्छा रहता है। तो एक वेंटिलेटेड विंडो हमको ज़रूरत होता है। तो इसमें हमको क्या कुछ चीज़ें लगता है, किस फ़ैन को हमको कंसिडर करना चाहिए, किस एग्जॉस्ट फैन को हमको कंसिडर करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाऊंगा, कैसे आपको इस टाइप के जो वेंटिलेटेड विंडोज होते हैं उसको आपको इंस्टॉल करने हैं, किस मटेरियल के जो विंडोज़ है वो बेसिकली बने हुए होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे फिट किया जाता है फ़ैन को वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल पे, जिधर मैंने आपको एक हैवेल्स का वेंट डीएक्स करके एक एग्जॉस्ट फैन का अनबॉक्सिंग दिखाया था, जो 250 mm का जो उसका जो स्वीप साइज है वो था। उसके साथ साथ मैंने उसका एक इंस्टॉलेशन भी दिखाया था। वो वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने मेरे को मतलब पूछा कि इसका एक फुल इंस्टॉलेशन वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फुल इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो पे, एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव राइट। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी इस बार मेरे बाथरूम के लिए ये वाला फैन चुना है। ये वाला फैन बेसिकली 200 mm का स्वीप साइज है, और प्रीवियसली मैंने जो भी अनबॉक्सिंग किया था फैन का, वो 250 mm का स्वीप साइज था। तो पहले आपको देख लेना है कि आपका जो बाथरूम का जो एरिया है कितना है। तो अगर ज़्यादा बड़ा सा आपका बाथरूम है तो इन दैट केस यू गो फॉर द 250 mm स्वीप साइज फैन, एल्स यू कैन गो विद द 200 mm। और अगर आप चाहते हैं तो 150 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन 150 mm का मेरे को उतना भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन देखने को नहीं लगा और पावर भी थोड़ा कम है। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन कहीं से भी इसको परचेस करेंगे, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं आप, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका जो बैक का जो फ्लिप है वो वाला जो पार्ट है, जो फ्लैप्स वगैरह है वो सील होना चाहिए, तब भी जाके आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पीछे के साइड में हमको कुछ मतलब स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, और आपको जब भी आप परचेस करेंगे तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा फ़ैन को। तो जैसे कि आप देख पा रहे, इंस्टॉलेशन तो के लिए आपको, जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने दोनों ही साइड बाय साइड आपको दिखाया है। जो लेफ्ट वाला जो है वो मैंने प्रीवियसली अनबॉक्सिंग दिखाया था, और जो इंस्टॉलेशन है आज हम राइट वाले पे फोकस करते हैं। तो राइट वाले में हम बेसिकली 200 mm स्वीप साइज का हमने फ़ैन चुना है, और उसके अकॉर्डिंग ही, और आपका जो विंडो का जो इनसाइड टू इनसाइड जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी फ्रेम वगैरह है वो बना लेना है। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली बहुत सारे मटेरियल्स का हो सकता है, बेसिकली UPVC का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, एल्युमिनियम विद पाउडर कोटिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको इनसाइड टू इनसाइड जो डायमेंशन है वो ले लेना है, उसके बाद ही आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जिधर आपका फ़ैन उसके साथ साथ एक जो ग्लास वगैरह है पैनल है वो लगेगा, और जो मूवेबल जो ग्लास पैनल्स है जो आप ओपन कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले जो फिक्स्ड वाला जो ग्लास पैनल है वो फिक्स किया जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एक पोर्शन पूरा ही फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो लोअर पोर्शन का जो ग्लास है वो बेसिकली फिक्स रहता है। उसके बाद जो हम दूसरा वाला जो चीज़ जो फिक्स करेंगे वो है जो स्मॉल जो ग्लास पैनल्स होते हैं, उससे आपका जो विंडो है वो आप ओपन कर सकते हैं मैनुअली, वो भी मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले ये जो नीचे वाले का चीज़ है वो बेसिकली फ़िक्स किया जाता है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद ये फ़िक्स हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलेशन है वो भी दिखाऊंगा, जो ग्लास पैनल्स होते हैं छोटे वाले वो दिखा देते हैं आपको। तो पहले इस वाले इंस्टॉलेशन को फिनिश कर लेते हैं। तो ये इसको मतलब बाहर से और अंदर से दोनों साइड से फिक्स किया जाता है, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे करके ग्लास पैनल्स को ऐसे फिक्स किया जाता है वन बाय वन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली लूज ही आते हैं, और उसको फिक्स करने के बाद जो क्लैम्प्स वगैरह हैं साइड से वो इसको मतलब एकदम एक ही जगह पर पकड़ के रखते हैं, और आप बहुत ही ईजिली इसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो चीज़, बेसिकली थर्ड वाला जो चीज़ हमको लगाना पड़ता है वो है इसका जो मेन फ़ैन है।
तो फैन जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले ड्रिल किया जाता है और फैन का ऊपर का पोर्शन बेसिकली रिमूव कर लिया जाता है, उसके बाद ही ड्रिलिंग्स वगैरह किए जाते हैं और जो मेन जो एल्यूमिनियम का जो भी फ्रेम है उसके साथ ही जो फैन बेसिकली है वो फिक्स हो जाता है स्क्रू की मदद से। और आपको फैन पे बॉडी पे भी आपको प्रोविजंस और मार्किंग्स देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली डिनोट करता है कि इस जगह पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करने के बाद आपको मतलब स्क्रूज वगैरह से इसको फिक्स किया जाता है, उसके बाद लास्ट में जो ऊपर का जो पोर्शन है वो बेसिकली फिर से फिक्स कर दिया जाता है और बाहर से और अंदर से कहीं से भी आप मतलब ये पता नहीं कर सकते कि इसमें स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फ्रेम है वो आपको लगा देना है। और इस वाले फ़ैन में एक ही और भी एडवांटेज है कि इसमें एक ऑयल ट्रे भी आता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप और जो किचन्स वगैरह होते हैं तो उधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो भी आप क्लीन कर सकते हैं बेसिकली। तो उसको करने के बाद जो भी गैप्स वगैरह बचता है उसमें आप ग्लू से उसको मतलब फिक्स कर सकते हैं। तो पूरा लगाने के बाद वायरिंग्स वगैरह कर लीजिए और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका जो वेंटिलेटर जो विंडो है वो एकदम रेडी है। और इसका एक मेन एडवांटेज क्या होता है कि जब जहीं पर भी आपका जो बाथरूम के अंदर जो भी स्मेल्स वगैरह होते हैं वो नहीं होते, वो बहुत ही इजीली जो है ब्लो आउट हो जाते हैं और बहुत सारे आपको अच्छे इसके जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको बहुत ही एक अच्छा सा वेंटिलेशन भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, जैसे कि उनको भी एक आइडिया हो जाए कि कैसे इसको बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है, क्या कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, तो उनको एक अच्छा आइडिया नॉलेज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज ट्यूटोरियल वीडियोस टेक के ऊपर नॉन टेक के ऊपर बनाते रहता हूँ मेरे चैनल पे। हम सून 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, ओनली 500 सब्सक्राइबर्स अभी बाकी रह गए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।